खुश आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पायरामिड्स के बारे में जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने इकोसिस्टम डिस्कस किया था और इकोसिस्टम की फंक्शंस में एक फंक्शन ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और ये वही फंक्शन है जिसको हम इन अदर सेंस इकोलॉजिकल पायरामिड्स कह सकते हैं इकोलॉजिकल पायरामिड के इंट्रोडक्शन में पहले हम समझ लेते हैं कि इकोलॉजिकल पायरामिड की डिफिनीशन तो इकोलॉजिकल पायरामिड एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है कि कैसे एनर्जी बायोमास और स्पीशीज़ का नंबर यानी हर स्पीशीज़ में कितने इंडिविजुअल्स होते हैं उसका नंबर कितने ट्रॉपिक लेवल पे कितने होते हैं बेसिकली एक पायरामिड शेप में

फूड चेन के बारे में प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स के बारे में जानकारी देता है इसका पर्पस ये है टू इलेस्ट्रेट एनर्जी फ्लो मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन साइज एट ईच लेवल ईच ट्रॉपिक लेवल तो एक ट्रॉपिक लेवल फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स हो गए सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हर्बीवोर्स हो गए थर्ड ट्रॉपिक लेवल कंज्यूमर्स एक कार्निवर्स हो गए तो ऐसे ही ट्रॉप कॉर्नीवर्स उसके बाद तो इकोलॉजिकल पायरामिड्स को हम स्टडी करते हैं तीन पैरामीटर्स पे फर्स्ट वन इज पायरामिड ऑफ एनर्जी बायोमास एंड देन पायरामिड ऑफ नंबर्स इकोलॉजिकल पायरामिड्स एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ट्रॉपिक स्ट्रक्चर की और इसमें हमारे पास डिफरेंट शेप्स आते हैं बेसड ऑन नंबर एंड एनर्जी तो इसमें यूजुअली जो बेस होती है देन इसमें मिडल पोर्शन होता है एंड टॉप पोर्शन होता है और ये हमें डिफरेंट पैरामीटर्स के वैल्यूज बताता है अबाउट प्रोड्यूसर्स हबिवर्स एंड कार्निवोर्स। तो इकोलॉजिकल पैरामिड्स अपराइट हो सकते हैं जिसका मतलब है कि जो ऊपर वाला पॉइंट है वो टैपर्ड होगा पतला होगा और बीच नीचे वाली जो बेस होगी वो ब्रॉड होगी इनवर्टेड होता है कि जिसमें हमारा जो बेस है वो टैपर्ड होगी और जो टॉप होगा वो वाइड होगा एंड एक और शेप होती है इसमें स्पिंडल शेप बीच में ये ब्रॉड होती है और ऊपर और नीचे ये टैप, टैप, टैप होती है मींस की पॉइंटेड होती है पहले हम समझ लेते हैं कि पैरामिट ऑफ नंबर क्या होता है तो पैरामिट ऑफ नंबर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया यानी पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से ऑफ वेरियस ट्रॉपिक लेवल स्टेप वाइज प्रोड्यूसर्स में कितने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं हर्बीवोर्स में कितने हैं कार्निवर्स में कितने हैं तो इसकी शेप अपराइट हो सकती है इन्वर्टेड हो सकती है डिपेंड डिफरेंट इकोसिस्टम्स जो हम आगे जाने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि किस इकोसिस्टम में क्या शेप होती है इकोलॉजिकल पायरामिड ऑफ नंबर्स की अगर हम एग्जाम्पल लेंगे ग्रास लैंड इको की या कोई टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम की तो ये पायरामिड ऑफ नंबर के हिसाब से हमेशा अपराइट होता है मीन्स न्यूमरस ग्रासेस मेकअप बेस जो डिफरेंट ग्रासेस है ये बेस बनाते हैं दे आर इन नंबर सपोर्ट द पॉपुलेशन ऑफ हरबीवर्स और उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स आएंगी जो आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे रैट है यहाँ पे कोई भी हरबीवर हो सकता है ग्रास होपर्स हो सकते हैं इनका नंबर कम होगा एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स नंबर ऑफ प्लांट्स जो ही हम ऊपर पर जाते हैं फूड चेन में ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स uh, में तो यहाँ पे प्रीडिएटर्स जो होंगे कार्निवोर्स होंगे जो हर पे प्रीडिएट करते हैं उनका नंबर कम होगा फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड्स या फॉक्स या स्नेक इनका नंबर यूजुअली हर से कम होगा और उसकी नेक्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल है टॉप कॉर्नीवोर्स या टर्शरी कंज्यूमर्स जो इनका नंबर हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू द जो इसकी प्रिसीडिंग जो है ट्रॉपिक लेवल होगी तो ओवरऑल इसकी जो शेप होती है इट इज ऑलवेज अपराइट वही हम अगर पैरामिड ऑफ नंबर एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखेंगे एक पॉन्ड में देखेंगे रिवर में देखेंगे एक लेक में देखेंगे जिसमें हमारे प्रोड्यूसर्स बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं जो कि बड़े साइज वाले हर्बिवर्स कार्निवर्स और टॉप कार्निवोर्स का सपोर्ट करता है यहाँ पे हम नंबर की बात करते हैं तो जब नंबर की बात आती है तो हमारे पास प्रोड्यूसर्स बहुत ही माइन्यूट होता है बट इनका नंबर एज कंपेयर टू हर्बिवर्स बहुत ही ज़्यादा होता है तो जैसे कि टेरिस्ट्रियल इको में अपराइट होता है वैसे ही एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी अपराइट होता है पारेमिड ऑफ नंबर्स यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो कि इन्वर्टेड होता है या स्पेंडल शेपड होता है यहाँ पे एक हम पैरासिटिक फूड चेन की बात करते हैं एक ट्री होता है जिसपे बहुत सारे बर्ड्स जो है रहते हैं तो यूजुअली नंबर ऑफ ट्री अगर हम यहाँ मान के चले एक होगा उस पर नंबर ऑफ बर्ड्स पाँच छः दस होंगे सो भी हो सकते हैं और इन बर्ड्स पे पैरासाइट्स होते हैं जैसे लाउस वगैरह जो माइट्स वगैरह होती हैं इन पे करते हैं तो इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ बर्ड्स तो इन माइट्स पे भी इन पैरासाइट्स पे भी हाइपर पैरासाइट्स होते हैं जो इन पे फीड करते हैं तो ओवरऑल इसका जो शेप होगी ये इन्वर्टेड होगी वहीं अगर हम आ, फूड चेन अदर फूड चेन की बात करेंगे जिसमें एक ट्री होता है और इसमें नंबर ऑफ बर्ड्स बर्ड्स होते हैं उन पे एक बड़ा जानवर जैसे हॉक ईगल फीड करते हैं तो यहां पे बीच में ये ब्रॉड होता है और ऊपर और नीचे ये पॉइंटेड होता है तो इसको हम स्पिंडल शेप्ड कह सकते हैं पायरामिड ऑफ नंबर्स पायरामिड ऑफ बायोमास बेसिकली हमें ईच ट्रॉपिक लेवल पे कितना बायोमास हमें हमारे पास अवेलेबल होता है फॉर एग्जाम्पल ग्राम पर स्क्वायर मीटर तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बायोमास कितना प्रेजेंट है ईच ट्रॉपिक लेवल पे फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स लेवल पे हर्बीवोर्स लेवल पे कार्निवर्स लेवल पे तो जितना भी अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर एट इकोसिस्टम होगा किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे उसको हम बायोमास बोलते हैं तो यूजुअली बायोमास का जो पायरामिड होता है ये अपराइट होता है और इसमें ब्रॉड बेस होती है और बेस पे एनर्जी ज़्यादा होती है ग्रेजुअली ऊपर ऊपर जाएंगे तो अमाउंट ऑफ बायोमास कम होता जाएगा और एनर्जी भी कम होती जाएगी अब यहाँ पे हम बायोमास के का जो पायरामिड है समझ लेते हैं इनके सब फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपराइट है तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स का जो बायोमास होगा पर स्क्वायर मीटर या पर यूनिट पर यूनिट यूनिट एरिया फॉर मान के चले यहाँ पे 1000 थाउजेंड है तो इसको सपोर्ट इस पर जो फीड करते हैं इसको जो सपोर्ट करता है हर इसकी पॉपुलेशन तो उनका बायोमास यहाँ पे 100 के होगा तो ग्रेजुअली हमारे पास ऊपर ऊपर जाते ही बायोमास की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाती है तो ये अपराइट होता है हमेशा इन केस ऑफ फॉरेस्ट इको या टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम वहीं हम जब बात करते हैं पैरामिड ऑफ बायोमास इन केस ऑफ एक्वाटिक इको ये इन्वर्टेड होता है तो यहाँ पे एक ट्रिक ट्रिकी क्वेश्चन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बायोमास यहाँ पे कम है तो ये कितने क्यों इतने बड़े जो है हरबीवर्स एंड कार्निवर्स की पॉपुलेशन को कैसे सपोर्ट करता है देखिए यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कोई ग्रास वगैरह नहीं है दे आर यूजली सिंगल सेलुलर माइक माइक्रोस्कोपिक जो हमारे पास एलगीज़ होते हैं डायटम्स होते हैं मैक्रो एल्गीज़ होते हैं जो यूजली हमारे एक्वेटिक वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं तो इन पे फीड करने वाले जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है वो फीड करती हैं तो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ रिप्रोडक्शन रेट ऑफ जो है प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया बहुत ज़्यादा होता है इन केस ऑफ प्रोड्यूसर्स तभी ये इतने बड़े जो हमारे पास अमाउंट ऑफ बायोमास को सपोर्ट कर सकता है तो ग्रेजुअली जितना ऊपर ऊपर हम जाएंगे, बड़ी बड़ी मछलियाँ ऐड हो जाएंगी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे तो बायोमास इंक्रीज होता जाएगा पर यूनिट एरिया तो ये हमेशा इन्वर्टेड होता है यहाँ पे पायरामिड ऑफ बायोमास केस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम हमेशा याद रखिए यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का जो है पॉइंट मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो इन केस ऑफ इकोसिस्टम इको सिस्टम वहां पर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर उतना फास्ट नहीं होता है एज कंपेयर टू एक्वाटिक इकोसिस्टम अब हमारे पास लास्ट पायरामिड ऑफ जो है दैट इज पायरामिड ऑफ एनर्जी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस ट्रॉपिक uh, लेवल पे कितनी एनर्जी है पर यूनिट एरिया किस जैसे फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स पे कितनी एनर्जी है देन प्राइमरी कंज्यूमर्स जिनको हरबी वोर्स कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स टर्शरी कंज्यूमर्स तो यूजुअली हम एनर्जी को टिपिकली मेजर करते हैं किलोजूल में या किलोजूल पर यूनिट एरिया तो यहाँ पे एनर्जी हमेशा 10% परसेंट ही ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल एज पर द लिड मैनजेन परसेंट रूल तो नाइन परसेंट ऑफ एनर्जी है वो ज़ाया होती है टू द इकोसिस्टम इन वेरियस प्रोसेस मेटाबॉलिक प्रोसेस और जो हमारे पास जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एज ए हीट के फॉर्म में डिसपेट होती हैं तो ये हमेशा अपराइट होता है किसी भी इकोसिस्टम में जब हम पायरामिड ऑफ एनर्जी देखेंगे वो हमेशा अपराइट होता है चाहे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो एक्वाटिक इकोसिस्टम हो या कोई भी इकोसिस्टम हो दैट इज ऑलवेज अपराइट यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की जिसमें ग्रासेस जो है एनर्जी कैप्चर करते हैं फ्रॉम द सन वाया फोटोसिंथेसिस और इसी पे इसी बायोमास uh, पे जिसमें ये एनर्जी होती है इनमें हर्बीवर्स फीड करते हैं फॉर एग्जांपल ग्रास होपर्स तो प्रोड्यूसर्स में जितनी एनर्जी होगी उसका 10 परसेंट ही ये ग्रास होपर में चला जाता है और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में भी उतना ही चला जाएगा तो प्रोड्यूसर्स का 10 परसेंट प्राइमरी कंज्यूमर्स में प्रोड्यूसर्स का ओनली वन परसेंट टू द सेकेंडरी कंज्यूमर्स में और प्रोड्यूसर्स का ओनली पॉइंट वन परसेंट एनर्जी चली जाती है इन टर्शरी कंज्यूमर्स तो हर किसी लेवल पे नाइनटी नाइन्टी परसेंट लॉस हो जाता है तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकता है व्हाट आर द फैक्टर्स इनफ्लुएंसिंग द शेप्स ऑफ पायरमिट फर्स्ट फैक्टर इज़ एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी, जिसमें ओनली टेन परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल सेकेंड इज़ कंज्यूमर प्रोड्यूसर रेश्यो तो जिसमें इकोसिस्टम विद फ्यू लार्ज प्रोड्यूसर्स लाइक ट्री मे हैव इन्वर्टेड नंबर ऑफ़ पैरामिड तो जिसमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर का रैशो भी डिपेंडेंट करता है अगर प्रोड्यूसर्स कम होंगे तो इन्वर्टेड होगा पैरामिड अगर प्रोड्यूसर ज़्यादा होंगे तो अपराइट होगा देन इको सिस्टम टाइप कौन सा इकोसिस्टम है अगर एक्वाटिक इको सिस्टम की बात करेंगे तो इन्वर्टेड होगा बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना बायोमास प्रोड्यूस होता है तो एक्वाटिक बायो इकोसिस्टम्स में ये बहुत ही ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम तो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में यूजअली uh, हमारा पैरामिड जो है अपराइट होता है uh, वहीं हम ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड होता है ओवरऑल अगर हम कंपेयर करेंगे पायरामिड के टाइप्स तो पायरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है ये तो पता ही चला हमें बट बायोमिड ऑफ बायोमास अपराइट हो सकता है बट ये इन्वर्टिड है इनकेस ऑफ जो हमारे पास बायोमासवैटिक uh, इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है और पायरामिड ऑफ नंबर ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन साइज स्पेंडल शेप्ड हो सकता है इन्वर्टेड शेप्ड हो सकता है अपराइट शेप हो सकता है तो हमारे पास पायरामिड ऑफ़ नंबर में ज़्यादा वराइटी है एज कंपेयर टू पायरामिड ऑफ बायोमासड बायोमास पायरामिड ऑफ एनर्जी तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इकोलॉजिकल पायरामिड्स की क्या इम्पोर्टेंस होती हैं इन इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन तो फर्स्ट इज़ हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम तो ये हमें हेल्प करता है मॉनिटर बिटवीन बैलेंस स्पीशीज़ के बारे में प्रिडिक्ट करता है कि ट्रॉपिक लेवल में अगर डिस्ट्रप्शन होगी तो कितनी हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होंगे तो अगर वहां पे डिस्ट्रप्शन होगी तो इकोसिस्टम कोलैप्स को हो सकता है उसके अलावा हमें कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में हेल्प uh, करता है ये गाइड करता है डिफरेंट स्ट्रेटजीज को आइडेंटिफाई करने में जैसे कीटोन स्पीशीज़ ट्रैकिंग एनर्जी एफिशिएंसी, अंडरस्टैंडिंग फूड वेब डायनेमिक्स में हेल्प करता है और ओवरऑल ह्यूमन इंपैक्ट जो है इकोलॉजिकल पायरामिड्स पे क्या क्या होता है वेलट कर सकते हैं हम इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इको सिस्टम डेवलप स्ट्रैटीज डेवलप कर सकते हैं फॉर सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट तो यहाँ पे uh, हमने फर्स्ट जो हमारा फंक्शन ऑफ इको सिस्टम डिस्कस किया था दैट वॉज इकोलॉजिकल पायरमिट्स और ट्रॉपिक स्ट्रक्चर